हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं जो आप लोगों के लिए लव कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, उसमें हम ये चेक करेंगे, क्योंकि न्यू मून पे मैंने शॉर्ट्स तो अपडेट करा था इंस्टाग्राम में, मगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई। और कुछ रीज़न था जिस वजह से मैं चाह रही थी मगर मैं नहीं आ पाई, मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था। आज हम उसी चीज़ पे देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो न्यू मून के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, वो उनके अंदर कोई मेजर शिफ्ट्स हैं या किसी तरीके का वो आपको कमिटमेंट या आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा सेटअप थोड़ा चेंज दिख रहा होगा आपको, मैंने अभी ये टेम्परेरी थोड़ा सा कर लिया है सेट चेंज, बाकी अभी मैं प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं बना पाई हूँ, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं बोलती हूँ, कलेक्टिव है, ऑल जोडियक साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपने वो खुद देखना है कि एनर्जीज़ किस तरीके से मैच हो रही है। मैं सिर्फ एनर्जीज़ आपको बताऊँगी कि क्या क्या एनर्जीज़ आई हैं टैरो में या एंजल गाइडेंस में, ये सारी चीज़ें, और देखते हैं आगे क्या है। मगर हम जो स्टार्टिंग करेंगे ना, उसमें सबसे पहले मैं इनिशियल्स लूँगी, कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं इसमें, थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने डिवाइन यूनिवर्स जिस भी पावर पे बिलीव करते हैं, आप उन पे अब थोड़ा ध्यान लगाएं, उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले कुछ इनिशियल्स और मंथ आएंगे वो मैं देखूँगी, पहले मैं ले लेती हूँ। चलो मैं साथ के साथ बता रही हूँ, टाइम बचता है। जनवरी में कुछ मे भी खास हो सकता है या फिर कोई स्पेशल डे, फर्स्ट मीटिंग जब आप लोग पहली बार मिले हों, उनका बर्थ मंथ या आपका हो सकता है, और कोई स्पेशल मेमोरीज़ जो आप दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा है उसकी हो सकती है। कोई जनवरी में आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, अच्छा वक्त गुजारा है, कुछ भी हो सकता है, और या फिर सेपरेशन का भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको रिलेट करना है। ओके, के आया है, के से उनका नाम हो सकता है। स्टार्टिंग इनिशियल देखना है, एंड का कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा नाम नैनशा है, तो मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखूंगी एन, मैं लास्ट में ए आता है मैं उसको नहीं मानूंगी। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लेटर देखना है। एम आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, क्यू जी जून कुछ खास हो सकता है, जुलाई। ठीक है, जून और जुलाई हो सकता है कुछ खास, फेब। ठीक है, वी इनिशियल। ठीक है, अल्फाबेट आया है वी। नवंबर आप ये किसी मैं एक स्पेसिफिक रिलेशन पे नहीं बनाती हूँ रीडिंग, अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं और वाइफ हस्बैंड के लिए, तो वो भी रिलेट करता है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अप्रैल ओके, सारे मंथ आ रहे। मार्च थोड़ी और लूँगी क्योंकि इनिशियल्स आए नहीं हैं। ए सॉरी आई एन आर, इतने इनफ है, अब नहीं लूँगी मैं। जेड और टी ओ बी के अगेन आया है, पहले भी आया था ना। ठीक है, तो आप देख लेना ये आपसे कैसे रिलेट करते हैं। अब मैं यहाँ पर टैरो से देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, न्यू मून के बाद मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के अंदर क्या शिफ्ट्स आए हैं इमोशंस को लेकर।
ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, और कहीं ना कहीं पैशनेट हैं आपके इस कनेक्शन और आपको लेकर, और बहुत फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मे भी बहुत से लोगों की एक महीने या दो महीने से बातचीत बंद है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं। चांसेस हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो भी सोच रहे हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है, एक महीना मैंने जिस तरीके से बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एक महीना या दो महीने हो सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। इन्फिनिटी का साइन है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, डजेंट मैटर, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को टूटने नहीं देंगे। फाइनली ये चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिख रही है, और देख लेते हैं कि ये क्या आता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है, स्टॉकिंग की एनर्जी है टू ऑफ वॉन्ड्स। या फिर ये भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिससे ये एक से मूव ऑन होंगे और एक की तरफ बढ़ेंगे। ये हम चेक कर लेंगे किसकी तरफ बढ़ेंगे, किसको छोड़ेंगे। और दो महीने मैंने अभी भी बोला था, तो दो महीने से हो सकता है, या ये भी हो सकता है एक साल या दो साल से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हों। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, ठीक है। स्टॉकिंग की एनर्जी तो यहाँ पर दिख रही है कि स्टॉक करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, आप लोग दूर रहते हों या आपके पार्टनर दूर रहते हों, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये चीज़ दिख रही है, स्टॉकिंग तो है, यहाँ पर एक मैसेंजर है यानी कि बर्ड। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना चाहते हैं और शायद कुछ बोलना भी चाहते हैं। यहाँ मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना मैजिशियन की एनर्जी में, ये अपनी पावर में ही आएंगे। अब की बार अगर आते हैं पावर में ही आएंगे, थोड़ा सा आपको कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप इनके आगे सरेंडर कर दें, मगर मुझे नहीं लगता कि आप अब की बार कुछ सरेंडर करेंगे अपने पार्टनर के आगे, विच इज़ गुड। आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या आता है, क्या शिफ्ट्स हैं इनके इमोशंस में आफ्टर न्यू मून। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक तो ये हार्ट ब्रेक को इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी हैं, और कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी या है उसके वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि हम यहाँ पर ना ये चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स है, दो सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है, फिर उसके बाद थ्री ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो कहीं ना कहीं ये हम, जैसे मैं अभी बोल रही थी कि किसी एक को चूज़ करेंगे, छोड़ेंगे किसी एक को, तो मुझे ऐसा इंडिकेशन, अभी मेरी जो इंट्यूशन बोल रही है वो ये बोल रही है, ये थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रखा है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली, हर तरफ से ये ना ज़्यादा खुश नहीं है अपनी लाइफ में। अब आप लोग ये बोलेंगे, नहीं मैम हमें तो बहुत खुश दिखता है या दिखती हैं, ठीक है, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं होता ना जो इंसान आपको प्रटेंड करके दिखा रहा है वो एक्चुअल में हो, ऐसा होता नहीं है। कई बार आँखों का देखा हम कहते हैं कि वो सच मानना चाहिए, मगर कई बार आँखों देखी चीज़ें भी हमें धोखा देती हैं, तो ये भी चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि बंदा जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, वो आपको क्या पता प्रटेंड करते हों ऐसा कुछ, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो इनकी फैमिली में इश्यूज़ हैं आपको लेकर, मे बी फैमिली ना मान रही हो या कुछ हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि या तो फिर स्टेटस का फ़र्क होगा आप लोगों के बीच में, मे बी आप रिच हो सकते हैं, वो रिच हो सकते हैं, कुछ ये चीज़ है। मगर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि इमोशंस को लेकर अगर मैं यहाँ पर ये जो स्प्रेडिंग कर रही हूँ, तो आने वाले टाइम में ये कमिटमेंट देंगे आपको। अब की बार कोई पैचअप होता है, चाहे वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कुछ के केसेस में बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ करें,
और कुछ के केसेस में लग रहा है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी हैं, इनकी लाइफ में अगर किसी तरीके के ट्रिगर्स भी हैं, मगर ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेंगे, ये चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। साइंस बता दे रही हूँ, पहले तो मैंने बता दिया था फायर साइन मैजिशियन में ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, थ्री ऑफ सोर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, टेन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं एक बार क्लैरिफिकेशंस लूँगी यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्टेशन जो मैंने बोला वो ऑफकोर्स सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी इंडिकेट करता है मैनिफेस्टेशंस को, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब की बार ये कोशिश करेंगे कि ये एफर्ट्स डालें आपके इस रिलेशनशिप में, और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर मैं एफर्ट्स डालता हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिले भी, यानी कि आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न था। द मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना ये अगर आते हैं तो एक थोड़े छोटे कमिटमेंट के साथ ज़रूर आएंगे, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं है ना ये आपको किस तरीके से अप्रोच करें, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है कि एक छोटा मैसेज के थ्रू मुझे सामने वाले की एनर्जीज पता चल जाएँ, फिर उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स में जो चीज़ थी जो डाउट वाली थी, अब मुझे वो कंफर्म हो चुकी है कि ये आपको चूज़ करेंगे, किसी दूसरी सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये यूनियन का कार्ड भी माना जाता है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स रीयूनियन। कहीं ना कहीं ये आपको जो मैंने कहा ना स्टॉक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसी वाइव्स आ रही हैं कहीं ना कहीं कि आप लोग ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग आगे बढ़ चुके हैं और ख़ुद पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। ठीक है, अपनी फाइनेंस, अपनी सेल्फ केयरिंग, ठीक है, सेल्फ लव करना, मतलब आप अपनी वर्थ को समझ रहे हैं। आप आज भी अपनी उम्मीद में तो हैं कि मेरा पार्टनर मुझे कभी ना कभी कॉल या मैसेज करेगा, मगर उस उम्मीद को ना आप पकड़ के बैठे नहीं हो, उस उम्मीद को आपने थोड़ा साइड ज़रूर कर दिया है, क्योंकि अभी आप पे फोकस हो, यहाँ ये चीज़ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये दूर से आपको यही देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं से खबर मिल रही है आपके बारे में। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो फिर आप ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर आपने सोशल मीडिया पे अपना कुछ चैनल्स वगैरह कुछ क्रिएट कर रखे हैं, या अकाउंट्स जो ओपन अकाउंट्स हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी में वो चीज़ भी दिख रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं खुद पे, अब आप वो रोने धोने वाली एनर्जीज में नहीं हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, दोनों आए हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। ओह, टू टू, देखो दो बार पहले टू ऑफ वॉन्ड्स आया, अब थ्री ऑफ सोर्ड्स को लेकर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में टू ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने कहा ना आपको थ्री ऑफ सोर्ड्स जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने इमोशंस, अपनी जो मेरी कंडीशन है उसको मैं हील कैसे करूँ, कहीं ना कहीं ये आपको सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे बहुत से लोग कहेंगे हाँ अब थर्ड पार्टी इनको इग्नोर कर रही है, बुरा कर रही है ना, तब इन्हें हमारे बारे में याद आ रहा है, ऐसा मत बोलो, ठीक है, मत सोचो। यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है क्रॉस रोड पर ज़रूर खड़े हैं, मगर इन्होंने मन ही मन डिसीज़न ज़रूर बना लिया है कि ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि टू ऑफ कप्स अप्रोच बॉय की तरफ से है, यानी कि सामने से आता हुआ दिख रहा है कोई भी ऑफ़र, आप वो ऑफ़र देंगे, आप उसे एक्सेप्ट करोगे खुशी खुशी। मे बी यहाँ पर बहुत से लोग सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, इन्होंने डिसाइड तो कर लिया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 4 साल से ये ब्रेकअप है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, या ब्रेकअप कैसा जैसे आना जाना चल रहा है, तो वो चीज़ चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ के लिए 9 महीने 10 महीने से हो सकता है, बहुत रेयर होगा किसी के लिए कि कोई 10 साल और 9 साल से वेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए दोनों कार्ड्स आए थे, इसका यही एक मीनिंग आता है, क्रॉस रोड पे ज़रूर खड़े हैं, मगर एट दी एंड कहीं ना कहीं वो डिसीज़न आपकी तरफ ही आने के लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज्ड नहीं होंगे।
साइंस बता दे रही हूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और टू ऑफ कप से कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? वाओ, थ्री ऑफ कप्स, थ्री नंबर पहले भी आया था, मे बी यहाँ पर किसी को एंजल नंबर 4, 4, 3, 3, 10, 10, 9, 9 दिखता होगा या 2, 2, 2 भी दिखता होगा। अगर 3 और 3, 6 होते हैं, अगर मैं वो एनर्जीज भी लूँ तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मे बी आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। रीयूनियन यहाँ पर कंफर्म दिख रहा है क्योंकि 9 से भी यूनियन होता है और 10 से भी यूनियन होता है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आ चुका है, क्लैरिफिकेशन ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बॉटम ऑफ द डेक में। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है वो यूनियन चाहते हैं, वो दोबारा से उन सारे चीज़ों को स्पेंड करना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में की थी, ठीक है। ओके, करेंट फीलिंग्स इनकी मैं चेक करूँगी कि करेंटली ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, करेंट फीलिंग्स में क्या आता है। एक बार मैं कार्ड्स को शफल कर लूँ। ऑलराइट, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स, उनके करेंट फीलिंग्स क्या हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है सेम पर्सन के साथ आप लोगों के बीच में हो सकता है, या एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये भी दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर बड़े हों या आप बड़े हो सकते हैं। अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करेंट फीलिंग्स उनकी ये है कि वो आपकी चेजिंग को बहुत मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनके पीछे भागते रहते थे, सॉरी बोलते रहते थे, गिव अप करते थे, या ये कहते थे कि ठीक है सब कुछ ले देकर मेरी गलती। आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि उन्होंने आपको किस तरीके से तोड़ा कि अब आप उस तरीके की एनर्जी में हो ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना थोड़ा आपसे मिलने में कतराएंगे भी, क्योंकि आपने इतनी चीज़ें उनको बोल दी हैं जो सच हैं, ठीक है, जो सच हैं, और आपके पार्टनर ना उस सच्चाई से घबरा गए हैं। अब वो सच्चाई से घबरा गए हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनसे कोई भी क्वेश्चनिंग कर दी और आपको उसका आंसर पहले से पता है विद प्रूफ, राइट, तो और इन्होंने अगर उस चीज़ को झूठ बोल के कुछ बात कर दी तो आप किस तरीके से उन्हें सीधे हाथ टेढ़े हाथ जो भी कहते हैं ना उस तरीके से लोगे, तो ये ना थोड़ा घबरा रहे हैं, वो सच्चाई को फेस करने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, हम ये कह सकते हैं। देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स और क्या हैं। अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपकी तरफ तो आना चाहते हैं फॉर श्योर, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये अब कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि मैंने डिसीज़न बना लिया है, क्योंकि देखो वैसे तो जो एक्चुअल रीडिंग होती है कार्ड की टू ऑफ वॉन्ड्स की वो तो मैंने आपको बता दी, मगर कई बार ना कार्ड्स की पिक्चर्स अलग होती हैं तो वो मीनिंग चेंज कर देते हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर दो वॉन्ड्स हैं, एक को तो पकड़ के रखा है वो आगे की तरफ है और एक को छोड़ के रखा हुआ है वो पीछे की तरफ है। पहले जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो होता है उसमें फिगर बीच में होती है, एक इधर होता है एक इधर होता है, यानी कि दोनों ही साइड्स में होते हैं, मगर यहाँ क्या है, इन्होंने एक शॉर्ट्स को आगे कर दिया बिल्कुल और इस वाले शॉर्ट्स को बिल्कुल बैक में कर दिया, अपनी पीठ दिखा दी, यानी कि ये किसी चीज़ से हट रहे हैं, आपकी तरफ से तो नहीं हट रहे, किसी और चीज़ से हट रहे हैं ये, यहाँ ये दिख रहा है। तो करेंटली ये उस सिचुएशन को छोड़ के क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आपकी लाइफ में आते हुए देख रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स में ये पता चलता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, अगर मैं ये आपको किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशंस देते हैं एंड ऑल, जो भी किसी भी तरीके से, या आपको इमोशनली या किसी और तरीके से आपको थोड़ा डाउन करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हो, अब आप अपने डिफेंसिव मोड पे हो, आपको आप अपने लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, आपके पास अपने पार्टनर की हर एक बात का जवाब होगा, जिस वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। मैंने कहा ना वो घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या रायता फैलाया है, ये सब जानते हैं, ठीक है, हम कितने गलत हैं कितने सही हैं,
अब ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें तो आपके सामने आ चुकी हैं, अब ये इसको किस तरीके से वो करेंगे कि झूठ पे पर्दा डालना, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर हुई हैं कि ये झूठ बोल के उस पर पर्दा भी नहीं डाल सकते। ठीक है, और क्या है करंट फीलिंग्स में उनके, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। यहाँ पर ना येलो शेड और ऑरेंज शेड बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी एरीज लियो सेजिटेरियस, जिसमें से लियो और एरीज के बहुत चांसेस हैं, एस ऑफ सोर्ट्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी में है कि ये आपको किस तरीके से अप्रोच करें, आपके सामने किस तरीके से आए, यहाँ ये चीज़ मेन दिख रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें, जो करेंट एनर्जीज में फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस की एनर्जी में है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये कितने काले बादल हैं और यहाँ पर कितने साफ बादल हैं। जो भी अनक्लियर चीज़ें थी इनके मन में आपको, आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपकी तरफ बढ़ने के रिगार्डिंग, वो चीज़ें ना छटती हुई नज़र आ रही हैं और एक क्लियर बादल की तरफ आ गए, यानी कि इनको पता चल चुका है कि इन्हें अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या। तो अब ये इस तरीके से आपकी तरफ मूव लेते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अभी रुके हुए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मैं कब जब दूंगा तो क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, ये माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली जब इतने टाइम तक गैप रहेगा हर कोई सोचता है कि क्या आप उसे एक लास्ट चांस और देंगे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस था, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, फाइव ऑफ कप्स, कप्स पता नहीं मेरी रीडिंग में फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन होता कैसे। एनीवेज ये कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद भी है मगर उम्मीद नहीं भी है। रीज़न, एक तो उम्मीद दो कप्स आगे हैं, उम्मीद रखनी चाहिए, होपलेस ना हो ये, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी, मगर इन्हें कई बार लगता है चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अब डोमिनेट और डिफेंसिव मोड पे आ चुके हो, तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद आप अब इन्हें चांस ना दो। मगर ये जैसे कहते हैं ना, मरते दम तक एंड तक मैं उम्मीद छोड़ूंगा नहीं, तो ये वो वाली चीज़ है कि ये आज भी आपका वेट कर रहे हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है इनकी करंट, टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है इनकी करंट फीलिंग्स में। चलो ले लेते हैं, फाइव नंबर, और फाइव जो नंबर होता है 555 555, ये चेंजेस को इंडिकेट करता है, मेजर चेंजेस, डेथ आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली मेजर चेंजेस। आपके पार्टनर ने आपको जिस तरीके से हर्ट करा और आप जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में रहते थे, लविंग केयरिंग काइंड और हमेशा गिविंग एनर्जी में रहना, अब आपके पार्टनर के अंदर की ना फेमिनिन एनर्जी जाग रही है क्योंकि ये बहुत लड़ ली है अपने दिमाग से, अब इन्होंने उस लड़ाई को ख़त्म करा, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। अब ये अपनी फेमिनिन एनर्जी को हाई लेवल पे लेके आ रहे हैं क्योंकि देखो एनर्जीज जो होती है ना फेमिनिन और डिवाइन हर इंसान में होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जीज को अपनी हाई लेवल पे रख रहे हो। ठीक है, कई बार क्या होता है ये मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो फेमिनिन एनर्जी में रहती हैं, मगर जब फीमेल्स किसी तरीके से हर्ट होती हैं या कुछ और सिचुएशन होती है तब वो मैस्कुलिन एनर्जी में आती हैं। ठीक है, मगर अब नाउ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जी को ऊपर लेके आ रहे हैं, यानी कि दिल जो बोल रहा है उसको लेके आ रहे हैं, दिमाग से इन्होंने बहुत झगड़ लिया कि मैं दिमाग की नहीं सुनूंगा जो अब तक सुनते आए हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और ये पाइसेस हैं। ठीक है, सेवन ऑफ डेक की गलत पकड़ रहा है, वेट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि फिगर बीच में होती है, साइड्स में वॉन्ड्स होते हैं, इसमें ये साइड में, ये साइड में, अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या दिख रही है,
आपको दिखेगी, दिखना चाहिए। ये हाथ है, हाथ पे ग्लोब है, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है आपके पार्टनर पीछे वाले जो साइड वाला वॉन्ड है ना, उसको खुद ही पीछे कर दिया, क्योंकि वॉन्ड्स इधर है, हाथ आगे से ला के रखा हुआ है इन्होंने, तो यानी कि वॉन्ड्स को पीछे कर दिया, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आगे मूवमेंट का कार्ड है। हाथ में ग्लोब है, मैसेज, ठीक है। और दूसरी चीज़ ट्रैवलिंग, जो डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है उसको कम करना, और कहीं ना कहीं आपको स्टॉप करना। और आपकी ना वो इन एनर्जी से भी डर रहे हैं, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया था बॉटम ऑफ द डेक में? ऑब्सेशन। देखो यहाँ पर जिस तरीके से येलो और ऑरेंज रेड शेड आ रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं एक फायरी एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। इमोशंस इतने हाई हैं, आप समझ जाओ किस तरीके के, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मे बी आप लोगों के बीच में कोई ऐसी केमिस्ट्री बनी होगी, तो उसको मिस कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। सेक्शुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं या अपनी लाइफ में जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने क्या चीज़ खो दी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल कनेक्शन बनाएंगे, नो, ठीक है। फिज़िकल कनेक्शन के साथ साथ ये अपने इमोशंस को भी ठीक करना चाहेंगे, इवन अपनी टॉक्सिसिटी, अपने खुद के अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, अपने खुद के अंदर की जो हीलिंग है, जो इन्हें परेशान कर रही हैं चीज़ें, अनहील्ड हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। अगर कोई नेगेटिविटी थी, ये उससे भी बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ ही आएंगे, क्योंकि देखो इमोशंस हैं तो पैशन भी है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन में मैं एक बार चेक कर लेती हूँ उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन बताइए यूनिवर्स, उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। एक्शन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ मूवमेंट, आपकी तरफ आना, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, वही एक कंट्रोलिंग एनर्जी, वही एक थोड़ी सी डोमिनेटिंग वाली एनर्जी, मगर इन्हें ना गर्व हो रहा है। ये देखो ये बंदा बैठा कैसे, कितने प्राउड के साथ बैठा है, कि ये अभी भी सोचते हैं कि आप इनके हैं, चाहे इन्होंने कुछ भी करा हो आपके साथ, मगर ये अभी भी सोचते हैं कि आप इनके हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, कम्युनिकेशन क्लियर, इवन स्टॉकिंग की एनर्जी। हाँ, इनके आगे पीछे कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक एनर्जी इस तरीके से आ रही हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए या कुछ भी, मगर ये सॉर्ट्स है ना हाथ में, उसको काट के उन इल्यूजन्स या उस इन्फ्लुएंसेस को काट के या की तरफ मूव लेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें पता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, इन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने आपके साथ किया ऐसा ही है जो रिजेक्शन इन्हें मिलनी ही चाहिए, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट करने का एक धमका सकते हैं, मगर रिजेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है। और क्या आता है इनके एक्शंस में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शंस। मेरे व्यू, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टीम वर्क, दोबारा से यूनियन, आपकी तरफ आना, दोबारा से पैचअप करना, ये इनके नेक्स्ट एक्शंस में आ रहा है। और क्या आ रहा है यूनिवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स है नहीं सॉरी फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जो भी लड़ाई झगड़े तू मैं होता था ना, उसको ख़त्म करते हुए आएंगे, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, और फाइव नंबर मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपनी दिमाग की सोच से ना बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिमाग ने ही इनका दिमाग ख़राब कर दिया, ठीक है। दिमाग से चलोगे प्यार मोहब्बत में, तो वो कभी भी रिश्ता कायम रहता ही नहीं है, चाहे आप चलो या वो चलें, दिमाग से चलने का मतलब वो रिश्ता ख़त्म। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप डिफेंसिव हैं तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप इन्हें अपनी लाइफ से आउट ना कर दें। ये इन्होंने गिव अप, मैंने कहा ना, नहीं करा हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपने पे वो हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर है कि मैं मना लूँगा किसी ना किसी तरीके से अपने पार्टनर को, और अपने प्यार से मनाऊंगा, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं। नेक्स्ट सेक्शन में
किंग ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन तो आएगा क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है अभी, तो कहीं ना कहीं सोर्ड्स जो होते हैं वो एक्शन को बताता है, क्लियर कम्युनिकेशन को बताता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन को भी बताता है, जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं उनको क्लियर करने को बताता है। आपके पार्टनर में भी मैरिड हो सकते हैं अगर इन्होंने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी दिखाई है, कंट्रोलिंग दिखाई है, तो उससे भी ये थोड़ा सा डाउन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, टू मोर कार्ड्स यूनिवर्स, टू मोर कार्ड्स। ठीक है, एक आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स। पता है एक चीज़ तो मैंने देख ली, इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन है, बर्डन इन द सेंस जैसे कहते हैं ना कि वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा जैसा हम चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर ना कहीं ये सोच रहे हैं वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैंने जो ये चीज़ें इतनी ख़राब कर दी, ये मैं कैसे संभालूंगा, ये मैं सब कैसे ठीक करूंगा, सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ओवर थिंकिंग है इन चीज़ों को लेकर, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। तुम करो भाई ओवर थिंकिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाली एनर्जी कभी किसी ने सही है, यानी कि आप लोगों ने सही है। तो कहीं ना कहीं एरीज लियो सेजिटेरियस है, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, एक कार्ड चाहिए मुझे, चलो दोनों आ गए तो दोनों ले लेते हैं। अगेन देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स यूनियन, आपको बहुत ज़्यादा अबेंडेंस ग्रोथ में देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं यूनियन को, और अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो कंसीविंग भी दिख रही है यहाँ पर कि कंसीव कर सकते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, इनका हार्ट ब्रेक है, क्योंकि जो टेन ऑफ सोर्ड्स होते हैं मोस्टली जो ट्रेडिशनल टैरो में ये बैक पे सोर्ड्स गए हुए होते हैं, बैक हो रखा होता है, यहाँ ये फ्रंट में ले रही है, और सबसे पहले यहाँ पे इसके सीने पे खंजर हैं, और थ्री ऑफ सोर्ड्स आ भी गया था जो दिल के बीच में खंजर करे जाते हैं। तो आपके पार्टनर ना बहुत ब्लैक एनर्जी से गुजर रहे हैं, देखो काले बादल, मगर ये कहीं ना कहीं तब इनके काले बादल क्लियर होंगे जब ये आपसे अपोलोजाइज सॉरी फील कर लेंगे, क्योंकि ये भी चीज़ नज़र आ रही है इनके अंदर कि ये सॉरी फील करेंगे, इवन बहुत से लोगों के केसेस में ये सॉरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, पहले मैं येस और नो कर लेती हूँ, आप अपने मन में कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपको येस और नो में जवाब दूँगी। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे, एक चाहिए, एक व्यक्ति, एक का मेबी का कार्ड नहीं लूंगी, यस और नो। ठीक है, कंफ्यूज्ड मत हो, कार्ड्स नहीं आते हैं, जजमेंट कर्मा। ठीक है, आपके पार्टनर किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं, यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, तो ये यस का कार्ड है, और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स के मैसेजेस देख लेती हूँ मैं यहाँ पर, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं एंजल की साइड से, ये आप दोनों के लिए ही मैसेज होगा। ओके, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, देखो आपकी लाइफ में तो ये आने वाले हैं। ठीक है, मैसेंजर, मैसेंजर हाफ मून है, न्यू मून को इंडिकेट करके गया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है ना जो भी अब की बार किसी भी तरीके से, चाहे वो मीटिंग के थ्रू हो या कुछ भी हो, ऑन कॉल हो, मैसेज हो, जो भी इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये उसको गंवाएंगे नहीं, ये लास्ट चांस ज़रूर लेंगे। ठीक है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको उन्हें एक लास्ट चांस देना चाहिए। कट द कॉर्ड्स, अगर आपके मन में या आपके पार्टनर के अंदर कोई भी रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव हैं एक दूसरे को लेकर, अब चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ, उन चीज़ों को कॉर्ड कट करें, कट कर दें नेगेटिव चीज़ों को, प्यार से आगे बढ़ें, प्यार को ही देखें। ठीक है, होली लव, मैंने कहा ना आप लोगों का कोई ऐसा कनेक्शन है, आप सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ना कोई साधारण कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ये चीज़ यहाँ पर दिखी है मुझे,
टेक चार्ज एंड एक्शन। अगर बातचीत होती है, कुछ होता है, तो उस वक्त डिसीज़न करके ही वहाँ से हटना। अगर यस है, आप चाहते हैं कि मैं रहना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, तो सारी क्लियर कम्युनिकेशन करके, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके आप फिर आगे बढ़ें। अगर आपने सोच लिया कि ठीक है, एक मुलाकात हो गई, उसके बाद मैंने कट ऑफ, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो वो बात भी क्लियर करके ख़त्म करना। तो ये नहीं है कि आप एक सोच में ही रहो, सोचते ही रहो, वो चीज़ मत करना, ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मैंने कहा ना कि कुछ भी हो सकता है। अभी चाहे आपको सारी चीज़ें बहुत ख़राब दिख रही हैं, ये दिख रही हैं कि अरे पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा होना भी है या नहीं होना है, नो, ऐसा मत सोचें। मिरेकल्स होते हैं, बिलीव करो। तो यूनिवर्स आपको दोनों को ही ये कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बोली। नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ओके। एक सॉन्ग ध्यान में आ रहा है मेरे माइंड में, हाँ, वो सॉन्ग सुना है, मैं मूवी का नाम बता रही हूँ, बहुत पुरानी है, जब हम भी पता नहीं 10th में थे, कौन सी क्लास में थे, तब की बात है ये, कुछ 10th 11th, ठीक है, सॉरी, मेरा हाथ लग गया मोबाइल में और वहाँ पर कुछ और ओपन हो गया, इट्स ओके। यहाँ पर वो वाला सॉन्ग है, यादें मूवी हैं, यादें, जिसमें ऋतिक रोशन और करीना कपूर हैं, ठीक है। उस मूवी का वो सॉन्ग है ना, जब दिल मिले, ठीक है, वो वाला सॉन्ग सुनना, वो आपके पार्टनर की साइड से कुछ मैसेज हो सकते हैं, ओके, वो सॉन्ग सुनना आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ से सिर्फ 2 मैसेजेस लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, वेट, ओके। तो हम यहाँ देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, सारे कार्ड्स ही चले गए नीचे, ठीक है। यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी वर्थ को कितना समझा है, तुम्हारे प्यार को बहुत ज़्यादा समझा है। मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम दोनों फिर से एक हों और दोबारा से उन चीज़ों को जिएं, ठीक है। मैं जानता हूँ एक दिन कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। यहाँ ये चीज़ भी बोली जा रही है, इतने सारे तो नहीं लूँगी, अब आए हैं तो मैं थोड़े और ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ओके। आई हैव ट्रस्ट इशूज़, आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग करेज। मैंने कहा ना, इनको कुछ ना कुछ है मन में कि क्या आप इन्हें चांस दोगे, नहीं दोगे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, मगर कहीं ना कहीं ये हिम्मत करके आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि एक्शंस में आ चुका है। आई लव यू मोर देन एनी थिंग, इतना तो समझ जा रहे होगे आप लोग, ठीक है। एक और ले लेती हूँ, यहाँ पर ये बता रहे हैं, आई कैन नेवर फ्री माई सोल फ्रॉम योर लव माई डियर। मतलब ये आपको ना अपने से अलग सोच ही नहीं, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कभी इन्होंने आपको छोड़ा था पास्ट में। तो यहाँ यही दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी मिस करते हैं, और इन्होंने चाहे कितनी बार भी मूव ऑन होने की कोशिश करी, अलग होने की कोशिश करी, मगर ये आपसे नहीं हो पा रहे हैं, फाइन। तो ये थी रीडिंग, कितनी रिलेट हुई आप बता सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एनीवेज, आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।